press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक है बच्चों, आप लोग घर में बैठकर क्या कर रहे होंगे, यही सोच रहे होंगे ना कि ये महीना जो है अगस्त का है और अगस्त 15 की तैयारी में हम लगे रहते थे। हम स्कूल में होते तो हम ये करते थे, हम वो करते थे करके न जाने किन किन यादों में आप खो जाते हैं, है ना। ये यादें जो हैं आपकी इस स्थिति में जो है बहुत अच्छा प्रभावित करते हैं, आपको आपका समय भी अच्छी तरह से बीत जाता है इसमें, उन यादों में खोकर। ऐसे ही मैं आपको आज ले चल रही हूँ आपके संचयन भाग एक से, ऐसी ही कुछ यादें जो लेखक आपको सुनाने जा रहे हैं, यानी स्मृति। स्मृति यानी मेमोरी। जिसके लेखक कौन है? श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा इसके लेखक है। स्मृति यानी मेमोरी। जश्न मनाने का अवसर कितना अच्छा था, हम ऐसी तैयारी में लगे रहते, हम वो करते, है ना, सब लोग अपनी अपनी यादों में खो रहे हो। तो इस पाठ की रूपरेखा क्या है, स्मृति क्या है? ये बाल्यावस्था की एक ऐसी घटना पर आधारित है जो पाठकों को भरबस ही अपने बचपन की स्मृतियों तक पहुंचाकर उनमें रोमांच पैदा कर देती है। यानी ऐसी घटनाएं जो हम ऐसी हमारी बाल्यावस्था में बचपने की जो यादें रहते हैं वो कभी भी हम आगे चलकर नहीं भुला पाते उन यादों को, अक्सर वो यादें हम याद करते रहते हैं। तो इस पाठ में लेखक ने ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि बच्चों की जिज्ञासा यानी उनकी आसक्ति, उनकी रुचि बच्चों की क्या है, एवं उनका क्रियाकलाप उन्हें किन जोखिमों तक पहुँचा सकता है, यानी ऐसे कार्यकलाप, ऐसे ऐसी क्रियाएं, ऐसे ऐसे काम जो वो बचपन में करते हैं बिना सोचे समझे, न जाने अपनी जान तक खतरे में डाल देते हैं। ऐसे काम करने की भी उन्हें सुध-बुध नहीं रहती, जो भी हो बस निकल पड़ते हैं। तो ऐसी ही एक घटना का सजीव चित्रण इस पाठ में क्या किया है लेखक ने किया है। तो लेखक उनके बचपन की उस बाल्यावस्था की यादों को याद करके आपको सुनाना चाहते हैं, तो चलें सुनेंगे। तो उससे पहले क्या है, हम लेते हैं लेखक का एक छोटा सा परिचय। यानी इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था, 1896 में। जैसे कि लिखूंगी मैं इनके रचनाएं जो हैं वो किस पर कहानियां लिखते थे सब बोलूंगी मैं। यानी ये शिकार संबंधी पुस्तकें लिखते थे, रचनाएं हैं शिकार, बोलती प्रतिमा यानी बोलने वाली स्टैच्यू, प्रतिमा यानी स्टैच्यू, तथा जंगल, जंगल के सजीव, जंगल के जीव। तो यहाँ पर क्या है, श्रीराम शर्मा का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ, 1896 में। इन्होंने प्रारंभिक जीवन में अध्यापन कार्य में निपुणता प्राप्त की। इसके पश्चात इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है राष्ट्र और साहित्य सेवा में समर्पित कर दिया था, यानी राष्ट्र के लिए। श्रीराम शर्मा शिकार साहित्य के द्वारा हिंदी के अग्रणी लेखक के रूप में क्या है, सामने आए। इनके साथ ही इन्होंने विशाल भारत के संपादक पद पर भी क्या किया, कार्यरत रहते हुए विशेष ख्याति भी इन्होंने प्राप्त कर ली थी। यानी एक, ये भी एक प्रसिद्ध लेखक हैं।
तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो कि मैंने लिखी हैं, शिकारी संबंधी पुस्तकें इनकी, शिकार, बोलती प्रतिमा और जंगल के जीव। तो चलिए देखते हैं ये स्मृति। स्मृति में क्या दिया गया है हम जानेंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सन 1908 ईस्वी की बात है। कब की बात है ये? 1908 ईस्वी की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा, यानी इट्स द बिगिनिंग ऑफ, यानी इट्स द एंड ऑफ दिसंबर और द बिगिनिंग ऑफ जनवरी। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था, जैसे कि अभी देख रहे हैं ना कैसा जाड़ा पड़ रहा है, बहुत ही सर्दी के दिन होते थे। दो चार दिन पूर्व कुछ बूंदा बूंदी भी हो गई थी, यानी बूंदा बूंदी यानी बारिश, जैसे कि अब हम बाहर का माहौल देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह का जाड़ा पड़ रहा है, ठंड कैसी बज रही है। तो दो चार दिन पहले ही कुछ बूंदा बूंदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। यानी जैसे ही बूंदा बूंदी हुई, वर्षा हुई थोड़ी बहुत, उसे क्या हो गया, और भी भयानक सी क्या होने लगी, शीत, सर्दी, ठंडी हवा चलने लग गई। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे, शाम का समय है, 3 बजे या 4 बजे, कई साथियों के साथ मैं झारबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। तो उस समय लेखक को क्या सूझी थी कि वो पेड़ से क्या तोड़ कर खा रहे थे, बेर, बारी हन्नू जो कहते हैं ना, बेर वो खा रहे थे कई साथियों को साथ में लेकर। कि गांव के पास के एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। यानी लेखक और साथी मजे लेकर बेर खा रहे हैं, तो उसमें से कोई एक व्यक्ति, एक आदमी जो उस गांव का है, जो जाते समय जोर की आवाज़ से चिल्लाने लगा कि जाओ भाई, तुम्हारे भाई तुम्हें बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ, यानी जल्दी से जल्द आप लोग घर चले जाओ। मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी था। यानी जैसे ही उस आदमी की आवाज़ सुनी लेखक ने, तो उन्होंने निश्चय किया कि चलो भाई घर चलते हैं और चलकर देखते हैं क्या बात है। तो उनके साथ में, वो अकेले ही नहीं अपने साथियों के साथ, बल्कि उनका एक छोटा भाई भी उनके साथ में है। भाई साहब की मार का डर था, इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। यानी उनके भाई का भी उन्हें डर है, उनसे बड़े भैया जो हैं उनका इन्हें डर सता रहा है कि ना जाने किस लिए बुला रहे होंगे, घर जाने के बाद क्या शामत आती होगी करके डर रहे हैं। तो डरते डरते ही वो चले गए घर। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा, अरे बाप रे, पता नहीं अभी मुझसे क्या गलती हो गई है जो इन्होंने मुझे बुला भेजा है। डरते डरते घर में घुसा, यानी डरते डरते ही सारे के सारे काम कर रहे हैं लेखक, यानी डरते डरते वो कहाँ गए, घर में अंदर प्रवेश किए। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो, इन्हें डाउट था, आशंका, इन्हें संदेह था कि मैं और मेरे साथी जो हम इस ठंडी हवा में बेर खाने के लिए निकल पड़े हैं, कहीं ये तो अपराध नहीं मेरा, ये तो मेरी गलती नहीं जिसके कारण उन्होंने मुझे बुला भेजा हो, इसलिए मुझे यहाँ पर पेश होना पड़ा हो, इन्हें उपस्थित होना पड़ा हो। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। तो जैसे ही घर में गए, घर के आंगन में, अंगड़ा जो कहते हैं, उस आंगन में उनके भाई क्या कर रहे हैं, बैठकर एक पत्र लिख रहे हैं। तो इन्हें थोड़ी सी क्या हुई, रिलैक्सेशन मिला, इन्हें तसल्ली हुई कि चलो भाई ये तो लिखने में मगन है, अब पिटने का भय दूर हुआ। इन्हें मेरे मन में जो डर था कि अब मेरे जाने के उपरांत मेरे भाई मारेंगे, तो ये डर अब निकल गया। हमें देखकर भाई साहब ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ, तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक में
चिट्ठियाँ निकल जाएं। इन्हें शाम के समय पोस्टमैन क्या करता है, पोस्ट बॉक्स से सारी की सारी चिट्ठियाँ लेकर निकल जाता है वो पोस्ट करने के लिए, देने के लिए। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जाओ और इन चिट्ठियों को कौन से डाकखाने में, मक्खनपुर, स्थान का नाम है मक्खनपुर के डाकखाने में, इन्हें पोस्ट ऑफिस में इन चिट्ठियों को डालकर आ जाओ। तेज़ी से जाना, इन्हें जल्दी जाना, नहीं तो वो उठा ले जाएगा। ये चिट्ठियाँ जो है बहुत ही ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट लेटर्स है, इसलिए समय से पहले पहुँच जाओ आप लोग। किस समय से पहले, वो पोस्टमैन पोस्ट बॉक्स से चिट्ठियाँ निकालने से पहले आप लोग इन चिट्ठियों को पोस्ट बॉक्स में डाल दो करके भाई साहब भेज रहे हैं। जाड़े के दिन थे ही, जिस पर हवा के प्रकोप से कंपकपी लग रही थी। यानी विंटर्स का सीज़न था, विंटर सीज़न तो था ही, उस पर से क्या है, हवा का भी बहुत ज़ोर से प्रकोप है, हवा तेज़ी से चल रही है बाहर। जैसे आजकल का माहौल तो वैसा ही है ना, आजकल का मौसम बहुत ठंडी हवा है, बूंदा बूंदी भी हो रही है और कपकपी सी लगने लग जाती है, शिवरिंग है ना, कांपनी छूट जाती है ठंड के कारण। इसलिए हवा मज्जा तक ठिठुरा आ रही थी। यानी अंदर जो बोन मैरो रहते हैं ना, हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स रहते हैं, जो हड्डी रहती है, उसके अंदर तक मानो हवा समा जा रही हो, इतनी ज़ोर की क्या है, ठंड है। इन्हें हड्डी के भीतर का मुलायम पदार्थ को क्या कहते हैं, मज्जा कहते हैं। बोन्स, हड्डी यानी बोन्स के अंदर का स्मूथ थिंग जो रहते हैं, बोन मैरो जो कहते हैं, यानी अंदर। कहने का तात्पर्य है कि इतनी जोरों की ठंड थी, अंदर अंदर से जा रही थी और इसके कारण हमें कांपनी शुरू हो गई थी। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा, तो उसके लेखक उनके कानों को क्या कर दिया, अपने पास जो धोती थी, जो टौलिया था, उसको अपने कानों पर कवर कर लिया। माँ ने भुंजाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए, तो एक और धोती, एक और दुपट्टे में क्या किया माँ ने, चने भूनकर रास्ते में जाते समय खाते हुए जाना, ये तुम्हें ठंड से बचाएंगे। चना चोर गरम है ना, गर्मा गर्म चने जो है वो माँ ने एक और धोती में बांध दिए, तो एक धोती उन्होंने क्या की है, अपने कानों पर कवर की है, तो एक और धोती माँ ने उसमें क्या बांध कर दिए हैं, गर्मा गर्म चने। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। तो लेखक और उनके छोटे भाई जो हमेशा साथ में रहता था, अब दोनों ने क्या ले लिया है हाथ में, एक लंबा सा डंडा, छड़ी उनके स्टिक जो है उनके पास में है। उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था, उतना इस उम्र में राइफल से नहीं होता। राइफल क्या होती है, एक गन, बंदूक होती है ना, तो इस समय जो राइफल से नहीं होता, उतना लगाओ उस बाल्यावस्था में लेखक को किससे था, उस डंडे से। उस स्टिक उन्हें इतनी प्यारी थी, बबूल का पेड़, बबूल की जो लकड़ी रहती है उससे बना हुआ वो डंडा था, और उससे उन्हें बहुत मोह था, यानी लगाव था, प्रेम था उस डंडे से। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। यानी उस डंडे से क्या क्या था, लेखक ने इस बाल्यावस्था में कई सारे सांपों को मार दिए हैं उन्होंने, तो उन्हें अच्छा आइडिया है कि सांप को किस तरह मारा जाए। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उससे आम झुर्रे जाते थे। यानी मक्खनपुर के स्कूल, जब लेखक वहां स्कूल जाते थे ना, उनके स्कूल भी कहां थी, मक्खनपुर में थी, और उनके गांव मक्खनपुर से, उनके गांव से मक्खनपुर जब स्कूल जाते हुए उस रास्ते में, बीच रास्ते में क्या थे, आम के पेड़ थे, मैंगो ट्रीज बहुत सारे थे। तो प्रतिवर्ष ये लोग जाते हुए चुपचाप ऐसे ही नहीं जाते थे, मौज मस्ती करते हुए, अटकेलियाँ ना, शरारती करते हुए ये लोग आमों को तोड़ते हुए, झुर्रे ने तोड़ना, आमों को तोड़ते हुए वो लोग जाते थे। कहाँ जाते थे, स्कूल, स्कूल और उनके गांव के बीच में क्या पड़ते थे, आम के पेड़ बहुत सारे।
जब ये गांव से स्कूल जाते तो भी आम तोड़ते हुए जाते थे। इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था, यानी उनके पास जो डंडा हमेशा रहता था उसे सारी शरारतें करते हुए जाते थे। तो उन्हें वो डंडा कैसा प्रतीत होता था, सजीव सा यानी जीवित सा। प्रसन्न वादन हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। तो आमों को टेढ़ते तोड़ते हुए प्रसन्नता से, चेहरे पर उनकी क्या थी, प्रसन्नता थी, तो वे दोनों क्या करने लगे, मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे, यानी बहुत फास्ट जा रहे हैं ये लोग। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, तो हवा, दोनों की हवा चल रही है, तो लेखक ने क्या किया, अपने भैया की दी हुई चिट्ठियों को टोपी में रखते हुए वो टोपी सर पे रख ली, पगड़ी, और क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थी, उनका कुर्ता, उनका जब्बा जो वो पहनते थे शर्ट, उसमें पॉकेट्स ना होने के कारण उन्होंने वो सारी चिट्ठियाँ किस में रख ली, अपनी टोपी में रख के वो टोपी सर पे रख ली। तो कुर्ता जो पहनते हैं ना, उसमें पॉकेट्स, जेब ना होने के कारण लेखक ने क्या किया, अपनी भैया की दी हुई चिट्ठियों को, यानी अपने भाई की दी हुई चिट्ठियों को उन्होंने टोपी में रख के वो टोपी सर पे रख ली, ताकि हवा में ये उड़ ना जाए और हम आसानी से जाकर उन्हें पोस्ट बॉक्स में डाल दें। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। इन्हें उन लेखक को सब पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जब वो गांव से स्कूल जाते थे तो ये सब शरारतें करते हुए, साथ में उनके डंडा था, ये सारी शरारतें करते हुए वो आया जाया करते थे। तो रास्ते में एक कुआं भी मिल जाता था उन्हें, कुआं यानी वेल, बावी। जिसमें क्या है, एक भयंकर सांप है उसमें, और वो भी काला सांप। वो कैसे पता है उन्हें कि उस कुएं में सांप है, तो ये भी हम देखेंगे। कुआं क्या है, कच्चा था, उसमें पानी नहीं था, जैसे वो कच्चा था, और 24 हाथ गहरा था। उसकी डेप्थ कितनी थी, 24 मानो 24 हाथ, 24 यानी 24 हाथ गहरा वो खड्डा था, उसमें पानी ना था, सिर्फ वो क्या था, कच्चा कच्चा था और गीला गीला था। उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था, कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। यानी उस कुएं में एक काला सा सांप गिर गया था, ना जाने कैसे, वो इन्हें पता नहीं, बस कुएं में होने का ज्ञान इन्हें कब मिला, सिर्फ 2 महीने पहले। बच्चे नटखट तो होते ही है, शरारती होते हैं, तो स्कूल जाते समय और क्या क्या हरकतें करते थे। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी वानर टोली थी, पूरा मंकी ब्रांड था। चुपचाप सीधे घर से निकले, स्कूल आए, स्कूल से फिर सीधे घर गए, ऐसे ये बिल्कुल भी नहीं करते थे। गांव के बच्चे जो ठहरे, बहुत ही नटखट, बहुत ही शरीर। तो इनकी पूरी की पूरी टोली कौन सी टोली कहलाती थी, हाँ, वानर टोली, यानी मंकी ग्रुप इनका था। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे, ये स्मृति है उन दिनों की, जब वो स्कूल से घर लौट रहे थे, कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। तो आते आते सीधे घर नहीं आ रहे थे, इन्हें शरारत सूझी, वो क्या, कि चलो चलकर कुएं में झांकते हैं। तो इस तरह से हाथ पों को रखकर उछल कर उसमें झांकना कुएं में। सबसे पहले इझकने वाला मैं ही था, तो उस सारी टोली में, उनके साथियों में सबसे पहले कूद कर उसमें झांक कर देखने वाला कौन, लेखक। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। चलो भाई, एक तो शरारत सूच रही है, उस पर से एक और शरारत, एक ढेला, एक पत्थर लेकर हम उसमें डालेंगे और देखते हैं कि उसमें से आवाज़ कैसी आती है। उसके सुनने के बाद
अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी, यानी वो पत्थर को सुन उसकी पत्थर की आवाज़ सुनने के बाद उन्हें क्या इच्छा हुई, प्रतिध्वनि, एको, जो हमारा हमारी ध्वनि हमें वापस आती है। ऐसा आपने कहीं सुना है बच्चों, प्रतिध्वनि का सुनना? जी हाँ, बीजापुर में स्थित गोल गुंबद है ना, एक बार पुकारे तो 7 बार आवाज़ें गूंजती है हमारी, तो ये प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा हुई। पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। इन्हें ये लोग सोच रहे हैं कि चलो पहले पत्थर फेंकते हैं, बाद हम अपनी आवाज़ को सुनते हैं करके। अभी डिसाइड करके उन्होंने पत्थर जो ढेला जो फेंका, तो जैसे ही गिरा उसमें से कौन सी आवाज़ आ गई, एक फुसकार, यानी सांप के फुसकार की आवाज़ सुनाई पड़ी। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते के भौंक से चकित हो जाता है। इन्हें वो फुसकार की आवाज़ सुनकर तो ये लोग डर गए और वो चकित रह गए कि क्या माजरा है, एक ऐसी आवाज़ें हैं जैसे किलोले, जैसे कोई क्रीड़ा करता हो, जैसे कोई खेल खेलता हुआ मृग समूह, खेलता हुआ एक मृग समूह आ रहा है। मृग समूह ने हिरण का जो झुंड है और वो जैसे ही खेलता हुआ आता है उनके पास, यदि वो कुत्ते को देखते हैं तो कैसे वो चकित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऐसा लेखक को भी महसूस हुआ जैसे ही उस फुसकार की आवाज़ सुनी। तो उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। देखो ऐसी है बच्चों के नटखट शरारतें कि उसमें से वो फुसकार जो है शाम गुस्से में वो फुसफुसा रहा है, इन्हें उसको गुस्सा आ रहा है और इन लोगों को ऊपर मज़ा मिल रहा है, तो ये हंस रहे हैं और एक एक करके सारे के सारे लोग उसमें ढेला फेंकते जा रहे हैं, किसमें, कुएं में, यानी पत्थर बरसा रहे हैं और उस सांप की आवाज़ और भी क्रोधपूर्ण रूप से वो आ रही है। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाल जाते थे, यानी ये तो उनकी हैबिट बन गई थी। गांव से सीधे वो मक्खनपुर जाते, स्कूल जाते, फिर उस मक्खनपुर से लौटते समय, कौन से उनके स्कूल कहाँ थी लेखक की, मक्खनपुर, यहीं पर पोस्ट ऑफिस भी है, तो ये लोग जा रहे थे, जाते समय उनकी इस यादों को वो स्मृति को दोहरा रहे हैं। तो क्या होता, जैसे ही मक्खनपुर से लौटते समय घर से स्कूल तो चले जाते, फिर शाम घर आते समय की क्या हरकतें थी, प्रायः यानी हर दिन प्रतिदिन ही वो लोग कुएं में क्या डालकर आते थे, ढेले। मैं तो आगे भाग कर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था, यानी सबसे पहले लेखक जो है आगे रहते थे, सामने भाग कर आ जाता था, यानी ढेला डालते ही वो लोग पहले निकल कर इधर आ जाते थे, और टोपी को एक हाथ से पकड़कर, मैं टोपी को एक हाथ से पकड़ता था फिर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था, यानी क्या हो गई थी, ये हैबिट बन गई थी लेखक की, ये रोजाना की आदत सी हो गई थी, यानी अब वो इतने एडिक्ट हो गए हैं कि उन्हें जैसे ही कुएं के पास जाते हैं उनकी क्या आदत है, टोपी को एक हाथ से पकड़ते हैं निकाल कर फिर उसमें फेंकते हैं ढेला, ताकि ऐसे झुकते समय कहीं टोपी गिर ना जाए करके इस एहसास से क्या करते थे, टोपी को निकालना, फिर सीधे बाएं हाथ से दाएं हाथ से पत्थर को फेंकना, यानी ये इनका इनकी रोज़ की ये आदत हो गई थी, रोज़ाना की ये आदत यानी डेली हैबिट बन गई थी। सांप से फुसकार करवा लेने में उस समय बड़ा काम समझता था मैं, जैसे ही मैं ढेला फेंकता उस सांप की आवाज़ सुनने के लिए बेचैन रहते थे लेखक, एक वो जैसे ही आवाज़ सुनते थे ये समझते थे कि अरे आज मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। तो फिर से वो रिपीट करने के लिए जैसे ही वो गांव से अब कहाँ जा रहे हैं,
मक्खनपुर जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? चिट्ठियों को वहाँ पर ड्रॉप करने के लिए, पोस्ट बॉक्स में डालने के लिए। तो इनके तो रोज़मर्रा की स्कूल को जाते समय की जो आदत पड़ गई थी, अब वही क्या हो रही है, वही प्रवृत्ति जाग रही, वही जिज्ञासा बढ़ रही है। अब वो लोग पहुँच रहे हैं ना मक्खनपुर, तो रास्ते में वो फिर से क्या नज़र आ रहा है उन्हें, वो कुआँ, वही कुआँ जो हर दिन उसमें ढेला फेंका करते थे। तो दाएं हाथ से ढेला फेंकते समय बाएं हाथ से क्या करते थे वो लेखक, अपनी टोपी को निकाल लिया करते थे, इस तरह से पकड़ लिया करते थे, है ना। तो वो लोग उस रास्ते से हो रहे हैं तो उन्हें क्या है, वो कुआं दिख पड़ गया है। तो दोनों उस दोनों कौन, लेखक और उनके भाई, जैसे ही कुएं की ओर से निकले और जैसे ही वो जाते समय फिर से वो कुआं नज़र आ गया है उन्हें, तो कुएं में फिर से ढेला फेंककर चूना फुसकार सुनी जाए करके फिर से वो प्रवृत्ति जागृत हो गई है ने? उनका मन क्या करने लगा है, चलो हम तो यानी हो पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं, एक ढेला डालकर उसकी फुसकार सुन लेते हैं फिर आगे चलते हैं करके उनमें वो मन में प्रवृत्ति उनकी जागी। तो ये सोचते हुए लेखक ने क्या किया, कुएं की ओर बढ़े, कुएं की तरफ चलने लगे लेखक। तो छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे ही हो लिया, यानी छोटे भाई भी उनका पीछा करते हुए ऐसे गए जैसे मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। मृग यानी हिरण, शावक यानी बच्चा, जैसे एक बड़े एक हिरण के बच्चे के पीछे छोटा हिरण का बच्चा जा रहा हो करके दोनों मिलकर उस कुएं की तरफ गए। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया, तो कुएं के साइड में किनारे में जो नीचे ढेला पड़ा था तो उसको उन्होंने उठाया और उछल कर एक हाथ से टोपी, उनकी तो वह हैबिट थी ना कि एक हाथ से टोपी पकड़ना फिर एक हाथ से वो फेंकना, तो ऐसे ही क्या हो गया, वही सोचते हुए लेखक भूल गए हैं कि उनकी टोपी के अंदर क्या है। तो जैसे ही उन्होंने टोपी निकाल कर उस कुएं में ढेला फेंकना ही चाहा कि क्या हो गया बच्चों, जो उनके भाई ने जो चीटियाँ दी थी पोस्ट करने के लिए जो ज़रूरी थी, वो सारी तीनों चीटियाँ क्या हो गई, चीटियाँ उस कुएं के अंदर चली गई। बाप रे, सोचो अब क्या हुआ होगा, अब उस कुएं के अंदर क्या है, काला सांप है जो बहुत ही विषैला है, उसमें विष भरा हुआ सांप है और उसको से ये लोग तो पहले ही उसे क्रोधित करते थे। इसीलिए कहते हैं रास्ते में ऐसा कुछ भी आए तो कहीं पर भी जाना नहीं चाहिए, घर से सीधा निकलो तो उस स्थान पर जाओ जहां हमें जाना है और वहां से सीधे घर आना है। अब आ गई है ना शामत, देखते हैं कैसे परेशानी उठानी पड़ेगी, अब क्या होगा। इन्हें कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछल कर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी, यानी ढेला फेंका ही नहीं कि समझो बड़ी आफत आन पड़ी लेखक पर, एक बिजली सी गिर पड़ी। वो क्या बिजली, जी हाँ, सारी चिट्ठियाँ कुएं के अंदर। ऐसे समय में आप होते तो क्या करते, सांप को डर कर भागते घर, क्या सांप से मुकाबला करने चलते, क्या करते सोच ले। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, ये बात अब तक स्मरण नहीं। उस समय जो घटना हुई मेरे साथ, जैसे टोपी मैंने उतारी, जो चिट्ठियाँ उसमें पड़ी, मेरे ढेले के फेंकने से उस आवाज़ ने फुसकार मारी है कि नहीं मुझे वो भी पता नहीं, वो भी याद नहीं, और ढेला उस पर गिरा या नहीं मुझे इसका भी मुझे स्मरण नहीं, मुझे इसकी भी याद नहीं है। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर गई। तो इस कारण लेखक को कुछ भी याद नहीं रहा कि उनके हाथ से ढेला छूटने पर उस सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ये उनको होश ही नहीं, खबर ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारी चिट्ठियाँ जो थी, तीनों तीन चिट्ठियाँ जो थी, हवा में चक्कर काटती हुई सीधे कहाँ जा गिरी, कुएं में। मज़ा आ रहा है सुनने में, अच्छी है ना कहानी। अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरण की आत्मा
गोली से हाथ होने पर निकल जाती है। समझो कोई हिरन वहाँ पर घास खा रहा हो, किसी ने उसको गोली मार दी हो और उसकी जान चली गई हो और वो तड़पता रह जाता है ना। उसी भांति वे चिट्टियाँ क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। जैसे ही कोई हिरन का शिकार करता है, हिरन तड़पता रहता है उसकी गोली लगने पर, ऐसी ही हालत हुई है इसकी लेखक की। क्यों हो गई ऐसी हालत? क्योंकि सारी की सारी चिट्ठियाँ जो उनके भाई ने दी थी, बहुत ज़रूरी थी उन्हें समय पर पहुँचाना। अब वो चिट्ठियाँ उस कुएं के अंदर, उस कुएं में क्या है, विषैला सांप, जहरीला सांप है उसमें। तो उनके गिरते ही, यानी चिट्ठियों के गिरते ही, मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपटा भी मारा। मैंने इस तरह से जंप किया कि मैं उन चिट्ठियों को जल्दी से पकड़ पाऊँ। ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है, जैसे कोई, जैसे शेर हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए कोई प्राणी चढ़ रहा हो पेड़ पे और शेर आकर जैसे कि उस पर अटैक कर रहा हो। देखा है आपने अटैक करते हुए? तो इस तरह की हालत लेखक की भी हुई है। लेखक इस पर झपटा मार रहे हैं चिट्ठियों पर, उन चिट्ठियों को पकड़ पाने के लिए। पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी, मतलब मेरी पकड़ से वो बाहर हो गई थी, यानी अंदर वो गिर गई थी। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता, यानी इतनी फोर्स से मैंने उस पर झपटा मारा, यदि थोड़ी और जोर लगती तो मैं स्वयं उस कुएं में गिर जाता था। समझ में आ रहे बच्चों? तो ये रही दिशा रास्ते में शरारत करने का अंजाम, है ना। यदि वो स्वयं उसमें गिर गए होते तो क्या होता? कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। अब बचा ही क्या है, कुएं की पाट पर वहीं किनारे पर कुएं के पास बैठकर लेखक और उनके भाई क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? चिट्ठियाँ उनसे खो गई हैं, यानी नीचे कुएं में पड़ गई है। ये किस लिए हुआ? लेखक की शरारत के कारण, है ना। सीधे जाते और सीधे आते तो ऐसा कुछ नहीं होता था। तो वहीं पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ढाढ़े मार कर, यानी छोटा भाई तो अच्छा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता हुआ ढाढ़े मार कर रो रहा था वो। अरे क्या हो गया, हम आपने क्या कर दिया, अब हम क्या करेंगे करके वो डर के मारे रो रहा है। और मैं चुपचाप आंखें डबडबा रहा हूँ, चुपचाप आंखों से आंसू जा रहे हैं, क्योंकि थोड़े बड़े हैं लेखक, इस तरह से हड़बड़ा कर वो ढाड़े मारकर नहीं रो रहे हैं, पर चुपचाप बैठे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है ना। वेजल में जब आप दूध गर्म करते हो तो देखे हो कि जैसे ही उफान आता है दूध उबल कर ऊपर आ जाता है। यदि हम उस वेजल को कवर किए होते हैं तो क्या होता है, पानी बाहर टपक जाता है ना। वेपर्स उसके देखे हैं के ऊपर पतीली पर जब ढक्कन ढका रहता है तो उफान आने के कारण ऊपर उस प्लेट में क्या होता है, पानी जम जाता है। जैसे हम उस प्लेट को खोलते हैं तो पानी टपकने लगता है नीचे भाप। तो ऐसी हालत है लेखक की। निराशा, पिटने के भय और उद्योग से रोने का उफान आता था, है ना। क्या हो रहे हैं, एक तो निराशा है, इसलिए निराशा ये सारी चिट्ठियाँ ज़रूरी कुएं में गिर गई हैं। पिटने का भय है ऊपर से, यदि घर लौटेंगे तो ज़रूर हमारी शामत आएगी, हमें पिटाई ज़रूर मिलेगी, भैया उसके छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसी बेचैनी, ऐसी घबराहट हो रही है और उद्योग से रोने का, यानी ऐसे उद्वेग से, मतलब ऐसी घबराहट में, ऐसी बेचैनी से रोने का उन्हें उफान आता था। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, यानी ढाड़े मारकर रो नहीं रहे, जैसे ये अंदरूनी उनके फीलिंग्स है वो क्या कर रहे हैं, आंखों के आंसू बनकर पलकों से वो निकलने लगे हैं। पर कपोलों पर आंसू ढलक ही जाते हैं रोते रोते, कपोलों पर, चीक्स पर, यानी गालों पर तो पानी बहता ही जा रहा है।
तो माँ की गोद की याद आती थी। उस समय क्या करें, लेखक माँ को याद कर रहे हैं। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए, पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही ना था। इन्हें वहाँ पर जो लोग दोनों बैठकर रो रहे हैं, भाई तो जोर जोर से चिल्ला कर रो रहे हैं, ये तो इस तूफान की तरह, जैसे कि बताया गया, जैसे स्टीम उनके आंखों से आंसू बनकर बह रहे हैं। और उस समय कौन है, माँ, माँ की याद आ रही है कि माँ आकर कह रहे हो, जैसे जाने दो बेटा, कोई बात नहीं, चिट्ठियाँ तो दूसरी भी लिख दी जाएंगी, अब डरो नहीं करके। इस तरह से माँ क्या करती थी, उन्हें ढाढ़स बांधती थी करके वो याद आ रहे हैं। और कभी कभी उनका जी चाह रहा है कि कुएं में जो है थोड़ी सी ऊपर मिट्टी डाल दी जाए ताकि वो चिट्ठियाँ दिखे ही नहीं, डालकर जाकर कह दी जाए कि चिट्ठियाँ हम डालकर आ गए हैं। पर ये तो झूठ बात है और ऐसा झूठ लेखक बोलना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके जीवन में उन्होंने झूठ बोलना सीखा ही नहीं था। बच्चों झूठ झूठी बातों जानते ना थे। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई तो होती थी, जैसे रुई को हम कॉटन को जैसे धुनाई करते हैं ना, देखिए आप लोग इस तरह से रुई को धुना जाता है, जोर से छड़ी लकड़ी से मार मार कर उसको रुई की कॉटन की सफाई की जाती है। देखे ना अपने घरों के आसपास जो कि बेड्स बनाने के लिए आते हैं दुनिया, और रुई को कैसे वो धुनता है, ऐसी धुनाई तो घर जाने पर हमारी भी अवश्य होगी करके सोच रहे हैं। न जाने क्या ही होता, उन्हें क्षमा भी कर दिया जाते जा सकता था होगा, या फिर दूसरी चिट्ठी लिखकर पोस्ट अगले दिन कर दो करके भी कह सकते थे होंगे ना। ये सब बातें घर पर जाने के बाद पता चलती थी, पर ये लोग डर के मारे यहीं पर ना जाने क्या क्या प्रश्न उनके मन में लिए हुए बैठे हैं। देखते हैं, मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी काम जाता था। अरे अब हम लोग घर गएंगे तो हमारी धुनाई मारपीट तो ज़रूर होगी, ये सोचकर हमारा शरीर ही नहीं मन में भी क्या होता था, मन भी काम जाता था, अंदर से घबराहट हो रही थी, ऐसा डर कर वो वहीं बैठे हैं। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। तो वहीं पर बैठे बैठे लेखक के हाथों से जो गलती हो गई है वो वहीं बैठकर खामोशी से रो रहे हैं सिसक कर वहीं पर। इन्हें अगर सच बोलकर पिटा जाने के आगे का डर जो है, आगे चलकर यदि मैं घर गया, यदि सच बोला तो मैं पिट जाऊंगा, यदि झूठ बोलूंगा तो चिट्ठियों को ना पहुंचने की जिम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर भैया ने दी थी वो मैंने अदा नहीं की, क्योंकि ये दोनों बातें सोच सोच कर क्या कर रहे हैं, वो रो रहे हैं। इस सोच विचार में 15 मिनट होने को आए, दे लॉस्ट 15 मिनट्स से आप बैठ कर रो रहे हैं ना, तो यहाँ पर उन्होंने कितने शाम को जल्दी से जल्दी पहुंचना है मक्खनपुर, क्योंकि पोस्ट ऑफिस चिट्ठियाँ उठा ली जाएंगे पोस्ट बॉक्स से। अभी यहाँ पर 15 मिनट ये लोग ऐसे ही नष्ट कर रहे हैं। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, यानी उधर दिन भी बढ़ता जा रहा है, चिट्ठियाँ उठाने का समय भी पास आ रहा है। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, यानी चलो भाई यहाँ से कहीं दूर भाग निकल जाएं, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलीजे पर फिर रही थी। यानी एक तरफ पिटने का भय, दूसरी तरफ इस जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमें दे गई थी वो नहीं हुई ना करके, इस तरह से दूधारी तलवार, आपने देखे हैं स्वर्ड जो दोनों तरफ से काटी जाती है, इस तरह से दो धारों के बीच लेखक अब फंस गए हैं। समझ में आ रहे बच्चों, दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है। इन्हें एक फॉर्म डिसीजन लेना है, कुछ ना कुछ, ये दुविधा जो है, ये आफत जो आन पड़ी है, ये जो मुसीबत मुझ पर आई है, अब इसकी बेड़ियाँ एक निश्चय, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरी दुविधा भी दूर हो गई, अब ये दुविधा में जो पड़े थे, ये परेशानी में जो थे, अब वो दूर हो गई है। कैसे,
कैसे दूर कर ली इन्होंने ये दुविधा अचानक से ही, कैसे की होगी क्या आप बता पाएंगे? कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। बाप रे, है ना, ये तो एकदम भयानक, और भी भयानक काम। तो लेखक सोच रहे हैं कि क्यों ना मैं कुएं के अंदर चला जाऊं और अंदर जाकर वहां से इन चिट्ठियों को बाहर लाऊं। आसानी से ला तो सकते हैं, पर अंदर बैठा कौन है ये भी तो ज़रूरी है ना, कि कौन है इस कुएं के अंदर? एक काला सांप जो बहुत ही जहरीला है। तो ऐसे में लेखक ने निश्चय किया कि चलो मैं इस कुएं के अंदर जाऊंगा। कितना भयानक निर्णय था इनका, है ना। घर जाते सच सच बता पाते, एक थोड़ी सी मारपीट भी हो जाती थी तो भी क्या हुआ, सहन कर सकते थे ना, पर नहीं, इन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं कुएं में उतरूंगा और चिट्ठियों को बाहर निकालूंगा। ये तो बहुत ही भयंकर निर्णय था, इनके डिसीजन जो था ये बहुत ही डेंजरस था। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या, चलो अब मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूँ, मैंने जो अपराध किया है, मैंने जो गलती की है उसको मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मूर्खता अथवा बुद्धिमता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर लो, या तो मूर्खता या बुद्धिमता, इन्हें किसी काम को करने के लिए हो हमें क्या करना है, मौत का मार्ग ही स्वीकार कर लेना है, और वो भी जानबूझकर। तो फिर वो अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति मरने की तक चिंता नहीं करता है तो वो कुछ भी आए रास्ते में तैयार हो जाता है भिड़ने के लिए। और फल का अंजाम, उसे फल की क्या चिंता, चाहे अंजाम कुछ भी हो, फल यानी नतीजा कुछ भी निकले उसकी परवाह नहीं है, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर भी निर्भर है। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। इन्हें कहते हैं ना कि हमारा हमारा जीवन, हमारी उम्र एक निश्चित समय भगवान ने तय किया है। ये दुनिया, ये संसार क्या है, नश्वर है बच्चों, ये शाश्वत नहीं है। यदि मौत आती है तो एक ठोकर लगने से भी व्यक्ति मर जाता है, यदि उसकी मौत नहीं है तो सर पर पत्थर भी पड़े तो भी वो मरता नहीं है, बच जाता है। तो यही सोचकर क्या किए हैं अब वो विषधर यानी विषैले जहरीले सांप से भिड़ने के लिए लेखक तैयार हो गए हैं। वो कैसे, कुएं में अंदर स्वयं उतरेंगे और उन चिट्ठियों को निकालेंगे, और वो कैसे निकाल पाएंगे भला, ये भी जान पाएंगे। पासा फेंक दिया था मैंने, मैंने टोटल डिसीजन कर लिया था, मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं यही करूँगा। मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, इसकी कोई चिंता ना थी मुझे। मैंने सांप को मैंने गले लगाने के लिए सोच लिया था, आलिंगन करना इन्हें बाहों में ले लेना, मौत को इन्होंने बाहों में लेने के लिए तैयार हो गए हैं। या सांप से बचकर दूसरा जन्म, यानी यदि वो सांप से समझो बच गए तो इनके जैसे एक नया जन्म होगा जैसे, है ना, क्योंकि वो एक जहरीले सांप से मुकाबला करने जा रहे हैं, वो बच भी सकते हैं मर भी सकते हैं, बच गए तो उनका दूसरा जन्म जैसे, मर गए तो उसको भी वो बाहों में लेने के लिए मौत को तैयार हैं। तो ऐसा सोचकर, पर विश्वास ये था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, इन्हें पूरा क्या विश्वास है, क्या विश्वास है इन्हें कि मैं डंडे से सांप को पहले मार दूंगा। इन्हें आइडिया है कि उस डंडे से सांप को कैसे मारा जाता है, क्योंकि पहले भी उन्होंने कई सारे सांपों को उस डंडे से मार दिया है। बस इसी एक कारण क्या कर रहे हैं, हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके साथ उनका डंडा जो था। तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूँगा, चलो मैं उतरूँगा इस डंडे से सांप को मार दूँगा, फिर मैं चिट्ठियाँ ले लूँगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर, इसी के बल पर, इसी दृढ़ विश्वास जो कहते हैं ना, एक फॉर्म डिसीजन इन्होंने ले लिया है, और उसी की हिम्मत पर क्या करें, मैंने कुएं में घुसने की ठानी। और डिसाइडेड, क्या डिसाइड कर लिया कि मैं कुएं में उतरूँगा। इस तरह से जितना सोचते हैं आराम बहुत अच्छा लगता है, सोचना और है और करना और है, फेस जब करेंगे तभी पता चलेगा। अब इन्होंने तय कर लिया कि मैं उतरूँगा और उसे मार दूँगा। क्या ये काम इतना सरल है जितना हम सोच सकते हैं? कहने के लिए बातें तो बहुत अच्छी होती हैं,
और जब करते समय जो फेस किया जाता है वो तभी पता चलता है। तो ये हम जानेंगे अगली कक्षा में कि उनके साथ क्या होता है उस कुएं के अंदर। उत्सुक हो जाने के लिए आज का ये पाठ बच्चों समझ पाए होंगे, आशा करती हूँ। आप भी घर पर बैठे बैठे 2-3 बार पढ़ो, फिर अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।